अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुर्किस्तान में गुलामों की एक मंडी लगी थी। गुलामों की इस मंडी में जहां इंसान मर्दो जन फरोख्त हो रहे थे, वहीं पर तुर्की नस्ल का एक बच्चा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा भी फरोख्त हो रहा था। एक सौदागर ने वो बच्चा खरीद लिया। बच्चा बहुत खूबसूरत, उसके चेहरे से टपकता था कि ये किसी अच्छी, किसी खूबसूरत, किसी बहुत अच्छी फैमिली से ये ताल्लुक रखता है। तो नाज़रीन, उस सौदागर ने उस बच्चे को निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज को मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त कर दिया। नाजरीन, काजी फखरुद्दीन ने वो बच्चा, उसमें हिकमत, उसमें दानाई, उसकी आदात को बहुत अच्छा पाया और उसने उस वक्त के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में वो बच्चा पेश कर दिया, जिसे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने बकायदा उनसे ले लिया और उसकी खरीद लिया, उसकी कीमत भी अदा कर दी। जी हाँ नाजरीन, ये बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो बाद में दिल्ली का पहला मुसलमान हुक्मरान बना, जिसको गुलाम बादशाह भी कहा जाता है। और उन्होंने नाजरीन 20 जून 1206 से लेकर 4 नवंबर 1210 तक दिल्ली के तख्त पर हुकूमत की। और नाजरीन, इसको सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपना बेटा बना लिया था। उसकी हिकमत, उसकी दानाई को देखकर उसने उसे सबसे पहले दिल्ली और उसके बाद अजमेर का गवर्नर भी बनाया। तो नाजरीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बहुत खूबसूरत वाकया मैं आपको सुनाता हूं। वो एक दफा शिकार पर गए, उन्होंने शिकार को देखकर तीर चलाया। नाजरीन, तीर बजाय शिकार को लगने के एक नौजवान लड़के को लग गया, जो वहीं पर मौके पर ही तड़प तड़प कर, यानी वो फौत हो गया। तो नाजरीन, वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक पहुंचे और बहुत परेशान हो गए। उस पर उसने कहा कि इस नौजवान का पता करो कि ये किसका बेटा है, इसका घर कहाँ पर है। तो पता चला कि साथ ही एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती है, ये उसका बेटा है। ये रोजाना उस बुढ़िया का बेटा जो है, ये जंगल में लकड़ियां चुनता है और लकड़ियां चुनकर उसको फरोख्त करके ये अपने घर का, यानी उस बुढ़िया का वह सहारा यही है और इसी की बदौलत जिंदगी चल रही है। तो नाजरीन, उन्होंने वो बुढ़िया के पास गए और उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बताया कि आपका बेटा मेरे तीर से फौत हो गया है, मर गया है। तो इस पर वो माँ थी, वो रोते रोते बेहोश हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक परेशान हुआ। उस पर उसने अपने महल में पहुंचते ही उसने काजी को, अपने आप को काजी के हवाले कर दिया और काजी को मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। मुकदमा शुरू हुआ तो काजी ने बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया को कहा कि देखें, आपका बेटा एक हुक्मरान के हाथों से मारा गया है, तो आप जो भी इसे सजा देना चाहती हैं आप बताएं तो इनको वो सजा दी जाएगी। नाज़रीन, पूरा दरबार
वो काजी की जो अदालत थी, तमाम वज़रा और पूरे यानी के मुल्क के जो उस वक्त के उमरा थे वो वहाँ पे मौजूद थे, सबको सांप सूंघ गया कि अब आया बुढ़िया क्या करती है, क्योंकि एक आदिल, एक रहमदिल, एक हुक्मरान ने अपने आप को काजी के हवाले कर दिया था और उसकी अदालत में सरेंडर कर दिया था और अपने आप को मुलजम नहीं बल्कि मुजरिम करार दे दिया था। तो उस पर नाजरीन बुढ़िया ने कहा कि ऐसा बादशाह हमारे मुल्क में मैंने कभी नहीं देखा जो अपनी सल्तनत में ही अपने खिलाफ मुकदमा चलाने का यानी कि हुक्म दे, और ऐसा हुक्मरान आज तक यहां पर नहीं आया। तो मेरा बेटा मेरे लिए सबसे कीमती था, वो सिर्फ मेरा बेटा था और ये इस मुल्क का बेटा है और ये आज से मेरा बेटा है और इसे मैं माफ करती हूं, मैं इसे माफ करती हूं और ये आज से मेरा बेटा है। नाजरीन इस पर काजी ने कहा, काजी ने सुल्तान को अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को बरी किया और उस पर उन्होंने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक अगर तू इस मुकदमे में थोड़ी सी भी अपनी यानी बादशाही दिखाता या फिर तू अपना एक जो अपने आप को इज्जत तकरीम या दूसरे लफ्जों में प्रोटोकॉल का कहता तो मैं इस बुढ़िया के कहने के बावजूद, माफ करने के बावजूद भी आपको सजा देता, मैं आपको ना छोड़ता। तो इस पर नाजरीन आप हैरान होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नेफे से एक खंजर निकाला और उसने कहा, ऐ काजी अगर तू इस मुकदमे में मुझे थोड़ा भी बादशाह समझकर मेरी इज्जत और या फिर मेरी तकरीम करता या फिर मुझे तू बादशाह समझता, मुजरिम के बजाय बादशाह समझता, तो मैं आपको यहीं पर ही खड़े खड़े ही मैं आपको मार देता। नाजरीन ऐसा बादशाह, ऐसी हुकूमत, ऐसी सल्तनत यानी इंडो पाक में या दिल्ली में बहुत खाल खाल, बहुत कम ऐसे हुक्मरान आए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ नाजरीन 4 साल यानी 1206 से लेकर 1210 तक हुकूमत की और ये तकरीबन 60 साल की उम्र में घोड़े से गिरकर इनकी वफात हुई थी, बल्कि ये बाज कहते हैं पोलो खेलते हुए, बाज कहते हैं चोगान खेलते हुए ये घोड़े से गिर गए थे और फिर घसीटते हुए यानी कि इनकी जो है वफात हो गई थी एक हादसे में। तो नाजरीन ऐसा खूबसूरत हुक्मरान, ऐसा अच्छा हुक्मरान, इंसाफ पसंद हुक्मरान जिस मुल्क में हो तो वहां पर खूबसूरत, वहां पर रिज्क की भी फरावानी होती है, वहां पे गुर्बत, वहां पे इस तरह की जितनी भी वो होती है वो कम हो जाती है और जहां पर इंसाफ का बोलबाला होता है तो वहां पर गुर्बत खुद बहुत कम हो जाती है। जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा था कि गुर्बत का खात्मा खैरात से नहीं, गुर्बत का खात्मा हमेशा इंसाफ से होता है। तो नाजरीन मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीख नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।